मैं मनोज कुमार आज आप लोगों को ले चलता हूं बियासी में बने उस पुल पर जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को कनेक्ट करता है और बक्सर को बलिया से जोड़ता है। नवनिर्मित पुल है अभी और एक विजिटिंग स्पॉट बन चुका है जहां पर बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को उस जगह पर ले चलता हूँ और आप लोगों को उस जगह पर घुमाता हूँ। तो हमारा सफ़र अब पहुंच चुका है, हम बिल्कुल पुल के करीब पहुंचे हैं और थोड़ी देर में हम लोग पुल पर होंगे और पुल के नज़ारे को हम लोग शूट करेंगे आप सभी के लिए और देखेंगे कि ये जो बलिया और बक्सर को जोड़ने वाला जो पुल बनाया गया है, अभी नव निर्माण चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, अभी कच्चा रास्ता है जहाँ पर अभी इस पुल को सड़क से जोड़ा जाना बाकी है। लेकिन जो यहाँ पर दृश्य है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है और चारों तरफ यूँ कहे तो प्रकृति की गोद में हम लोग अभी आ चुके हैं और प्रकृति की गोद में आना ही और यहाँ पर समय बिताना ही बड़ा ही सुकूनदायक होता है। तो अगर कभी आप विजिट करें तो डेफिनेटली यह आपकी लाइफ को एक पीसफुल वातावरण प्रदान करेगा और इस प्रकृति की गोद में आकर बहुत खुशी होगी। तो आइए अब हम चलते हैं डायरेक्ट पुल के पास और पुल के नज़ारे को देखते हैं और ये जानते हैं कि ये पुल कैसा बना हुआ है और कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। नमामि गंगे दोस्तों, तो आ चुके हम उस पुल पर, भारत की सबसे लंबी नदी। तो मित्रों यही गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली और भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों की सीमाओं में बहती है ये नदी और कई बड़े नगरों और महानगरों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। ये बताते चलो मित्रों कि लाखों ऐसे लोग हैं जो कि गंगा के किनारे अलग अलग गांव में बसे हुए हैं और उनके लिए ये गंगा नदी लाइफ लाइन मानी जाती है। सनातन धर्म में तो इतनी अधिक महत्व दिया गया है इस गंगा नदी को कि कहा यह जाता है कि इस गंगा नदी के पानी से अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसका शरीर ही नहीं धुलता बल्कि उसके द्वारा किए गए पाप भी धुलते हैं और वह अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त होता है। थोड़ा दुख इस बात का अवश्य है कि अब यही गंगा का निर्मल पानी हमारे ही द्वारा फेंके गए कचरों से प्रदूषित होते जा रहा है
और प्रदूषण का लेवल कुछ इस कदर बढ़ गया है कि जितनी भी प्रजातियां मछली की इस गंगा नदी में निवास करती है या फिर उभयचर प्रजातियां जो निवास करती है उनका जीवन और उनका अस्तित्व संकट में आ गया है। ये तो गंगा की पवित्रता और हमारे द्वारा फैलाई गई प्रदूषण की बात हो गई, लेकिन हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि जितना अधिक महत्व दिया गया है माँ गंगे को उसके महत्व को हम बरकरार रखें। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस ब्रिज की, इस पुल की, तो बहुत ही कम समय में ये पुल बनकर तैयार हुआ है और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को ये जोड़ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत लंबा पुल है ये। अभी हम लोग किनारे पर खड़े हैं, गाड़ियों का आवागमन भी हो रहा है, हालांकि पूरी तरीके से अभी कनेक्शन अच्छा नहीं हो पाया है, इस ब्रिज का मुख्य सड़क से कनेक्शन नहीं बन पाया है। यदि आप इस पुल को पार करते हुए उत्तर प्रदेश या बिहार की सीमा में जाना आना चाहते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत का ज़रूर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ये ब्रिज आप देख रहे हैं आगे का रास्ता कच्चा रास्ता है, जहाँ पर गाड़ी ले जाना थोड़ी मुश्किल की बात है अगर बारिश हो गई तो। बारिश अगर नहीं होती तो फिर ये रास्ता ठीक है। आशा करता हूँ कि बहुत ही कम समय में सड़क का भी निर्माण हो जाएगा और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसको मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा और तब आवागमन और भी सुविधाजनक हो जाएगी। इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा नमूना पेश किया गया है। लंबे लंबे ये जो खंभे दिख रहे हैं ये आकर्षण का केंद्र है और पीले पीले रंग के जो सपोर्टिंग पाइप यहाँ पर लगे हैं ये भी आकर्षक बनाती है इस ब्रिज को। तो वाकई में काफ़ी सुंदर दृश्य, और चारों तरफ नज़र डाली जाए तो जो हरियाली नज़र आती है चारों तरफ, जिधर भी आपकी नज़र जाती है सिर्फ और सिर्फ हरियाली नज़र आती है। कहते हैं कि प्रकृति की गोद में जाना सुकूनदायक होता है, और जब आप प्रकृति के गोद में होते हैं तो सारे आपके कष्ट, सारे आपके तनाव दूर हो जाते हैं। तो यदि आप कभी इस भाग दौड़ भरी जीवन में बहुत ही तनाव महसूस करते हैं तो आप प्रकृति की गोद में ज़रूर जाएं। और अगर मैं इस साइट की बात करूं तो ये साइट कुछ ही समय में एक टूरिस्ट साइट बन चुका है और बहुत सारे लोग जो आसपास के इलाके से बिलोंग करते हैं वे आते हैं यहाँ पर अपने मित्रों के कंपनी में। बहुत सारे लोग आते हैं सेल्फीज लेने के लिए, अपने वीडियोस शूट करने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत लगता है उनको जब वो कुछ पल यहाँ पर बिताते हैं। मैं आपको पूरा ब्रिज भी दिखाऊंगा कि ये पूरे ब्रिज की लंबाई कैसी है और पूरा ब्रिज ये कहाँ से कहाँ जाता है। धूप और छाँव की आँख में चौली चल रही है और मैं अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है और जब आप नदी के किनारे होते हैं तो चलती हुई हवा में इतनी अधिक ठंडेपन और शीतलता होती है कि गर्मी के भी मौसम में आपको बड़ा सुकून मिलता है, और जो मैं अभी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। एक नाव मुझे दिख रहा है अभी गंगा नदी में, जो कि कुछ नाविक है जो नाव को खे रहे हैं। काफ़ी दूर तक ये गंगा फैली है लेकिन बीच बीच में मिट्टी का ढेर भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर पानी अभी कम हो गया है और बारिश कुछ दिन पहले तक बहुत ही ज़्यादा गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बारिश की कमी हुई वैसे वैसे अब गंगा का जलस्तर काफ़ी हद तक नीचे चला गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि एक बार आप यहाँ पर विजिट करें, और मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ। बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ पर ये ब्रिज को घूमना और यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाना, और सबसे जो खूबसूरत बात है चारों तरफ ये जो वादियाँ हैं इनको देखना, छोटे छोटे गांव, झोपड़ी नुमा घर और बहुत सारे मवेशी जो चर रहे हैं हरियाली को, ये सब कुछ देखने लायक यहाँ पर बनता है। तो आप ज़रूर आएँ और इस ब्रिज को देखें, घूमें, आप आनंद लें, और वाकई में सब कुछ बड़ा खूबसूरत है। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप लोग आइए और कभी भी आइए यहाँ पर घूमिए, इस प्राकृतिक का आनंद लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यात्रा हमारी ये पूरी होती है, और अच्छा समय हमने यहाँ पर गुजारा और हमने कोशिश की कि आपके लिए, बहुत तेज़ हवा चल रही है आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे ऑडियो में, और ये तेज़ हवा और गंगा के किनारे होना और इस ब्रिज पर खड़ा होना। अभी मैं एकदम गंगा के ठीक एकदम किनारे पर हूँ और मैं देख सकता हूँ हवाओं से ये पानी जिस तरीके से हिल रहा है, और ये गंगा का बहता हुआ पानी, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है इस गंगा नदी की कि पानी बहता हुआ। कुछ मिट्टी का कटाव भी हुआ है, मैं यहाँ से बिल्कुल किनारे से देख सकता हूँ, और ये ब्रिज हमारा
बलिया और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला, इसकी जो सुंदरता है ये अलग ही है। तो मैं चाहता था कि आप लोगों के लिए यहाँ पर आऊँ और ये वीडियो शूट करूँ कि ताकि आप लोग चैनल के माध्यम से ही सही आप लोग इसको देख सके और इस ब्रिज का आनंद आप ले सके और नेचर का आप आनंद ले सके। कहते हैं मित्रों कि जितने भी पोएट्स हुए, जितने भी कवि हुए, जब जब उनको कविता लिखने की ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने जब जब चुना तो ऐसे ही प्राकृतिक जगह को चुना। हमारे सामने एकदम फ्लैट ग्राउंड और मवेशी बहुत बड़ी संख्या में चरते हुए, चारों तरफ हरे हरे घास और ये वृक्ष। हालांकि गंगा के किनारे उतने वृक्ष तो नहीं होते, इसके बावजूद बहुत सारे ट्रीज यहाँ पर हैं जो कि गंगा की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। तो हमारी ये यात्रा अब यहीं पर संपूर्ण होती है और ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। कुछ और ऐसे साइट्स हम आप लोगों तक ले आने की कोशिश करेंगे कि जो आपके लिए अच्छा हो, आपको खूबसूरत लगे और आप आनंद ले सकें। देखिए जैसे हम यहाँ पर मज़े कर रहे हैं और प्रकृति की गोद में आना, इससे बड़ा इन्जॉयमेंट, इससे बड़ा आनंद, नथिंग इज़ बेटर देन द साइट ऑफ नेचर। एंड इफ़ यू विजिट दिस ब्रिज आई एम श्योर यू विल बी मच डिलाइटेड, यू विल बी वेरी मच डिलाइटेड एंड यू वुड जस्ट लव दिस साइट। सो वेन यू गेट अ चांस टू कम हियर आई एम श्योर यू गाइज विल फील बेटर। So I would like to invite all of you to visit the bridge and have a look at the Ganges, the most sacred river of India and the longest river as well. तो आइए नदी को भी देखिए और इस सुंदर ब्रिज को भी देखिए अपने मित्रों के साथ और नेचर का आनंद लीजिए। तो मित्रों ब्यासी बलिया पुल की ये यात्रा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए और हमारी टीम ने मिलकर इस वीडियो को शूट किया। तो मैं मनोज कुमार अब आप सभी अपने YouTube व्यूवर्स से विदा लेता हूं और एक बार फिर कहीं की यात्रा की जाएगी, फिर कहीं की वीडियो को शूट किया जाएगा और आपके लिए एक और भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।